मीरा, बहुत जाना पहचाना सा नाम है आपके लिए मीरा का। चुके हैं आप मीरा भक्ति काल की सगुण धारा में कृष्णाश्रय शाखा की कवयित्री मीरा, और हम तो बहुत अच्छे से इनको जानते हैं और पहचानते हैं क्योंकि राजस्थान में रह रहे हैं, और मीरा राजस्थान की जो मेड़ता नगर है वहाँ की रहने वाली थी, और इनकी भाषा में मतलब मूल रूप से राजस्थानी भाषा है जिसमें ब्रज भाषा के और गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं, इसलिए मीरा की लिखी हुई जो कविताएं हैं वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पसंद समझ में आती है। पसंद तो एक अलग चीज़ है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाती है, और ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो चीज़ समझ में आ जाती है वो चीज़ पसंद भी आती है। बेटा मीरा के बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी जो मैंने पुराने वीडियो बनाया है, और आई बटन में भी आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मीरा का पूरा जीवन परिचय और मीरा की भक्ति भावना पर मैंने पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, पूरी मीरा की कहानी मैंने आपको बताई है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख लें। आज हम इस पर समय खराब नहीं करेंगे। मीरा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आज चूंकि हम कविता पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी काव्यगत विशेषता को संक्षिप्त में आपके सामने बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मीरा एक भक्त कवयित्री हैं, मीरा कवयित्री नहीं है, मूल रूप से मीरा क्या है, एक भक्त है, और उनकी जो भक्ति है वो कैसी है, सगुण भक्ति है, और सगुण में भी हमने दो धाराएं देखी थी, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय, जो मीरा है वो कृष्ण की भक्त है। क्लियर, ये दो चीज बात समझ में आ गई आपको, सगुण धारा और कृष्णाश्रय शाखा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, उनकी जो भक्ति है वो एक निष्ठ भक्ति है, पूर्ण समर्पित। एक निष्ठ का मतलब क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, टोटल ही वो किस पर समर्पित है, कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। तो उनकी भक्ति की जो एक खास विशेषता हमको देखने को मिल रही है वो है उनकी एक निष्ठता, और दूसरी बात समर्पणशीलता, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना मान सम्मान धन परिवार, राजसी परिवार से थी मीरा, लेकिन उन्होंने सब कुछ कृष्ण के ऊपर अर्पित कर दिया है। कृष्ण की भक्ति में उनको जो सुख मिलता है वो उनको भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं मिलता है। और एक जो खास विशेषता है मीरा की भक्ति की वो ये है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। कैसी भक्ति है, माधुर्य भाव की, इसको हम कांत भाव भी कह सकते हैं। कांत का मतलब होता है स्वामी पति, यानी कि मीरा कृष्ण को क्या कहती है, अपना पति कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि कृष्ण को वो अपना स्वामी मानती है, अपना पति मानती है, इसलिए जो मीरा की भक्ति है वो कांत भाव की भक्ति मानी जाती है, मधुर भाव की भक्ति मानी जाती है, माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हमें मीरा की भक्ति में विनय भावना और समर्पण तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मीरा के जितने भी हम पद पढ़ेंगे उन पद में प्रकृति का चित्रण भी है, लेकिन प्रकृति का चित्रण उन्होंने केवल अपने भावों के आलंबन के रूप में ही किया है, यानी कि अपने भावों को उद्दीप्त करने के लिए किया है, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है, जैसे अपनी विरह व्यथा को बताने के लिए उन्होंने चातक का सहारा ले लिया है। ठीक है, इसे अब उनकी भाषा की बात करें हम तो मीरा, मैंने आपसे कहा मीरा कोई कवित्री तो थी नहीं जो कला के लिए लिखती थी, वो तो भक्त थी और अपने मन के भावों को सहज भाव से अभिव्यक्त कर देती थी अपनी भाषा में। तो जब हम उनकी भाषा की बात करें तो उनकी भाषा कैसी है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, मूल रूप से उनकी राजस्थानी भाषा है, पर चूंकि मीरा संत थी और जगह जगह संतों के साथ बैठती थी, तो जो संत कहीं कोई गुजरात से आया है, कोई ब्रज से आया है, तो उनकी भाषा के शब्द भी उनकी भाषा में आ गए हैं। मीरा की जो शैली है वो गीति काव्य शैली है, गीति काव्य शैली मतलब मीरा ने जो पद लिखे हैं वो गाए जा सकते हैं, गीति काव्य शैली है, उसमें संगीतात्मकता और सरसता गेयता ध्वनात्मकता ये उनकी कविता की खास विशेषताएं हैं। अलंकार बहुत स्वाभाविक रूप से आए हैं, कहीं भी मीरा ने अलंकारों को ठूसा नहीं है, पर उपमा है, रूपक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार, तो इस तरीके से रूपक उपमा प्रेक्षा और अनुप्रास अंत्य अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको मीरा की काव्यगत विशेषता बताई जिसमें कुछ उनकी भागवत विशेषताएं बताई और कुछ मैंने उनकी कलागत विशेषताओं के बारे में आपको बताया। अब आगे हम जो इनके पद पढ़ेंगे उनमें आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगी, जो भी विशेषता मैंने बताई है वो सब देखने को मिल जाएगी। तो पॉइंट्स मैंने बता दिए, अब उन पॉइंट्स को यदि आपको डिटेल करना है तो उदाहरण
हम ये कविताएं पढ़ रहे हैं, इनकी आप उदाहरण दे दीजिए, वहां पर आपका निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाता है, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। दो प्रश्न मीरा पर बहुत मुख्य रूप से आते हैं, एक तो मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए और दूसरा मीरा की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। दोनों बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनके पद पढ़ते हैं, क्योंकि उदाहरण यहीं से जाने हैं। ये जो पद है ये दो तरीके से काम आएंगे हमारे, एक तो इनकी व्याख्या आएगी, ठीक है, और दूसरा ये जितने पद हैं इन्हीं में से हम उदाहरण देंगे जो विशेषताएं अभी हमने पढ़ी है। तो पहला पद है इनका, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मणते परस हरि रे चरण। अब परस का मतलब होता है छूना, परस का मतलब क्या होता है छूना। मन से, मन से मतलब अंतरात्मा से हरि के चरणों को छुओ, ऊपर की भक्ति मत करो, इसलिए कहते माला फेरत झुक गया, माला फेर रहे हैं इधर ध्यान उधर ध्यान, नहीं। मीरा कह रही है मणते परस हरि रे चरण, मन से अंतरात्मा से यथार्थ रूप में समर्पित होकर। अभी हम यही पढ़ के चुके हैं कि जो मीरा की जो भक्ति है वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की भक्ति है, सच्चे भक्ति है, कोई दिखावा या आडंबर मीरा नहीं कर रही है। तो मीरा कह रही है कि हरि के चरणों को मन से स्पर्श करो। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं बेटा, भक्ति के कई स्वरूप होते हैं। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि नाम स्मरण, हम नाम स्मरण करते हैं, राम राम श्याम श्याम या हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे करके नाम स्मरण करते हैं। ऐसे ही भक्ति का एक स्वरूप होता है पाद वंदन, चरणों का वंदन, है ना। तो यहाँ पर वही चरणों का वंदन भक्ति का, भक्ति के स्वरूप का कौन सा चीज दिखाई दे रही है हमको, चरणों के वंदन का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मणते परस हरि रे चरण सुबग शीतल कमल कोमल, देखा आपने कितना शानदार अनुप्रास अलंकार है, अच्छे का अनुप्रास अलंकार दिख रहा है मुझे तो। सुबग शीतल स, जब वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो तो छे का अनुप्रास होता है, अनुप्रास का एक पार्ट है छे का अनुप्रास। कमल कोमल केवल एक ही बार आया, जगत ज्वाला जय एक ही बार आया, इसे अनुप्रास का एक पार्ट है जिसको कहते हैं छे का अनुप्रास, है ना। तो सुबग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, अब देखो वो उनके चरणों की महिमा बता रही है कि महिमा जो भगवान के जो चरण की वंदना क्यों करनी चाहिए, क्यों मन से पूरे लगन के साथ भगवान की चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के चरण है वो कैसे हैं, सुभग, सुभग माने सुंदर, बहुत सुंदर है, शीतल मतलब शीतल है, ठंडे हैं, हमको शीतलता आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। और कमल कैसे हैं, कमल की तरह हैं, रूपक अलंकार कोमल, और कैसे हैं, कमल की तरह कोमल है, कैसे हैं, जैसे कमल एकदम कोमल होता है उसी तरीके से जो हरि के चरण है पैर है वो कोमल है। और जगत ज्वाला हरण, और साथ में ये चीज तो हमने देखी उनके भौतिक स्वरूप के, वो सुंदर है कि वो शीतल है कि वो कोमल है, लेकिन उनमें बड़ी महिमा है, क्या महिमा है, जगत ज्वाला हरण, इस दुनिया के दुखों को हरने वाले हैं। जगत ज्वाला किसका प्रतीक है, संसार के दुखों का, यदि हम उनकी चरण वंदना करते रहेंगे, उनकी भक्ति करते रहेंगे तो इस सांसारिक दुखों से छूट जाएंगे, यानी कि जगत ज्वाला हरण। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। अब बहुत सारे उदाहरण दे रही है मीरा हमारे सामने, प्रमाणित कर रही है कि मीरा जो भगवान की जो चरण वंदना है उसकी महिमा बता रही है, उसका प्रताप बता रही है, कि ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूं, मैं उदाहरणों के द्वारा पुष्ट कर सकती हूं कि जिन जिन ने भगवान के चरणों की वंदना करी है उन लोगों को कौन कौन से परम पद प्राप्त हो गए हैं। उसमें पहला नाम उसने लिया प्रहलाद का, कि इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इन चरणों को, इन चरणों की वंदना भक्त प्रहलाद ने की और उसको क्या मिल गया, इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। और हम सबको प्रहलाद की कहानी मालूम है, मालूम है या नहीं है, नहीं मालूम है तो मैं इसको जब वीडियो बनाऊंगी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी कहानी डाल दूंगी। हिरण्य कश्यप वाली कहानी पढ़ी है ना आपने, है ना, अभी होली आने वाली है तो प्रहलाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। इन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण अशरण तरण, और इन्हीं चरणों की वंदना करने से जो बालक ध्रुव था 5 साल की उम्र में उसने परम पद प्राप्त कर लिया था। आज कहते हैं ना ध्रुव तारा अपनी जगह अटल है, किसके प्रताप से, इन्हीं चरणों की वंदना की थी ध्रुव ने, आपको उसकी भी कहानी मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक्चुअल में जो ध्रुव, जब जो बालक ध्रुव थे उनकी एक सौतेली माता थी, वो उनसे प्रेम नहीं करती थी। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोदी में जाके बैठे तो उन्होंने वहां से हटा दिया, माता ने सौतेली माता ने कहा पहले कुछ करके आओ, ये गोद ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तब ध्रुव ने तपस्या की
और 5 साल की उम्र में कहते हैं कि ध्रुव ने यह अटल तपस्या की और ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इन चरण ब्रह्मांड भेटा नख शिखा श्री भरण, और ये चरण की प्रताप देखो आप, विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके आए, आपने वो भी कहानी सुनी होगी, भगवान वामन बनकर आए थे, वामन अवतार बौने बनकर आए थे राजा वाली के पास, और राजा वाली से 3 कदम भूमि मांगी थी, राजा वाली ने कहा था ले लो, तब उन्होंने भूमि नापना शुरू किया। इन चरणों को इन्होंने इतना विस्तार किया कि एक चरण में पूरी पृथ्वी नाप ली, एक स्वर्ग नाप लिया, दूसरे चरण में पूरी पृथ्वी और तीसरे चरण में पाताल नाप के और बाली को पाताल में भेज दिया। तो वो कह रहे हैं इन चरण ब्रह्मांड बेटा, इन्हीं चरण से आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, नख शिखा श्री भरण, और जो जो तुम्हारे चरण है, नख माने पैर के अंगूठा का जो नाखून होता है वहां से, और शिखा माने सिर तक, मतलब तुम्हारे चरण की जो सुंदरता है ना, ये पूरे नख से और सिर तक पूरे शरीर में व्याप्त है। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीला करण, और इन्हीं चरणों से आपने कालिया नाग को मान मर्दन किया था, याद आपको वो कहानी, काली देह में उनकी बॉल चली गई थी, तो वो बॉल लेने के वाले अंदर जाते हैं और नागिया नाथ का मर्दन करते हैं, उसके घमंड का मर्दन करते हैं, इन्हीं चरणों से आपने उस नागिया नाथ का मर्दन मान मर्दन किया था, और गोपी लीला करण, और इन्हीं चरणों से ही उन्होंने ब्रज की भूमि में गोकुल में नाना प्रकार की रास लीलाएं की थी। इन चरण गोवर्धन धारा, और इन्हीं चरणों के बल पर कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, वो कहानी में आपको मालूम होगी, केंद्र की पूजा किया करते थे सब लोग पहले, और गर्भ मदव हरण, और तुमने मदव मतलब इंद्र, और इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था, इंद्र ने बहुत पारिश की थी ना। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, दासी ये मीरा है ना, ये भी तुम्हारी दासी है और तुम्हारी चरणों की वंदना कर रही है, इसलिए जो मीरा है वो निवेदन कर रही है कि तुम तो तरण तारण हो, भव सागर से उद्धार करने वाले हो, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना कर रही हूँ, मेरा भी तुम उद्धार करो, जैसे ये ऊपर वालों का किया। ठीक, आगे चलो, आगे वो कह रहे हैं यारो रूप देख यहां अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, और बिसरिया रण लगन लगा मोर मुगट नटकी, और महारो मण मगन श्याम लोक कहां भटकी, और मीरा प्रभु शरण गया और जाना घट घटकी। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के चुके थे कि मेरा मीरा का रूप कहां जाके अटक गया है, कृष्ण में जाके अटक गया है। तो कह रहे हैं यारो रूप देखा अटकी, वो अपनी सखियों से कह रही है कि देखो मेरी सखियां, मेरा जो मन है, मेरी जो आंखें हैं, वो कहां जाके अटक गई हैं, कृष्ण के रूप में जाके अटक गई हैं। मैंने आपको बताया था कि मीरा की जो भक्ति है वो एकनिष्ठ भक्ति है, मीरा कृष्ण को छोड़कर किसी और को ध्याना ही नहीं चाहती, इसलिए मीरा का मन कहां जाके अटक गया है, कृष्ण में जाके अटक गया। यारो रूप देखा अटकी, मैं तो उसके रूप को ही देखकर अटकी रहती हूँ, और पलक एक टक उसी के रूप को देखती रहती हूँ। कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, और कुल के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे आसपास के जो मतलब जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन सारे सगे संबंधियों ने बार बार मुझे टोका है कि नहीं तो हम इस तरीके से कृष्ण की भक्ति मंदिरों में जाके नहीं नाचोगे। हम सबको मालूम है कि मीरा राज परिवार से थी और उसने राज परिवार को छोड़कर और वो मंदिरों में नाचती रहती थी, तो उसके जो घर के लोग थे वो बहुत नाराज थे। राणा जी का नाम सुना है ना आपने, राणा जी ने कितना कितना उनको दुख दिया, जहर का प्याला भेजा और क्या कहते हैं उनको शूलों की चेज भेजी और नाग भेजा। तो वगैरह कुल कुटुंब सजन सकल बार बार अटकी, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप देखिए मीरा कोई किसी स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन उसके भाव इतने गहराई से उमड़ रहे हैं कि अपने आप ही अलंकार आए जा रहे हैं। मीरा को सही पर पूछते ना, बताइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, तो मीरा अलंकार की परिभाषा नहीं बता सकती थी, लेकिन चूंकि वो अपने भाव ऐसे प्रकट कर रही है कि उसमें स्वतः ही वो अलंकार आ जाते हैं। तो बार बार हटकी मतलब बार बार उन्होंने मुझे वहां से हटाने की कोशिश की, कहां से, कृष्ण की भक्ति से हटाने की कोशिश की, पर मैं हटी नहीं। बिसरिया रण लगन लगा मोर मुगुट नटकी, लेकिन मैंने तो इस जो संसार है, इस संसार के दुखों को बिसरा कर अपना मन कहां लगा दिया, उस मोर मुकुट वाले कृष्ण में ही अपने मन को लगा दिया। महारो मण मगन श्याम लोक कहां भटकी, मेरा मन तो कहां मगन हो गया है, श्याम के कृष्ण के अंदर मगन हो गया है, और लोग मुझसे क्या कह रहे हैं कि मीरा भटक गई है, लोग कहे मीरा बही बाबरी न्यात कहे कुलनाशी, लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है, और परिवार वाले लोग कहते हैं कुलनाशी है,
कुल की मान मर्यादा को समाप्त कर दिया है, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करती। तो मारो मन मगन श्याम, लोग कहा भटकी, लोग कह रहे मैं भटक गई हूँ, पर मुझे मालूम है कि मेरा ये रास्ता बिल्कुल सही है। मीरा प्रभु शरण गया, मीरा कहती है मैंने तो प्रभु की शरण को गया, ग्रहण कर लिया, अपने आप को प्रभु की शरण में समर्पित कर दिया है। जाण्या घट घट की, हे प्रभु तुम तो घट घट की बात जानते हो, मेरे हृदय की सारी बात जानते हो, मैं कहूँ या ना कहूँ पर मेरे मन में क्या चल रहा है, तुमसे तो कुछ छुपा है नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है वो तो अंतर्यामी है। तो आप आडंबर करते हो वो भी भगवान को मालूम पड़ जाता है, दिखावा करते हो भक्ति की वो भी मालूम पड़ जाता है, और मन से यदि ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो तो वो भी ईश्वर को समझ में आता है। क्लियर? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार खूब आया, घट घट बार बार, है ना, अनुप्रास अलंकार भी खूब आया। आगे मीरा कह रही है माई सांवरे रंग की रांची, साच सिंगार बांध पग घूंगर लोक लाज तज नाची, और गया कुमत लया सादा संगत श्याम प्रीत जग सांची, और गाया गाया हरिगुण निसिदिन काल व्याल री बाची। देखो काल व्याल रूपक अलंकार, काल मतलब मृत्यु, वाल माने सर्प, मैंने मृत्यु रूपी जो सर्प है ना उससे भी अपने आप को बचा लिया है, तो रूपक अलंकार। वो कह रहे माई सांवरे रंग की रांची, हे माँ मैं तो सांवरे रंग में रच बस गई हूँ। सांवरा कौन? कृष्ण। कृष्ण का रंग कैसा है? सांवरा। तो मैं तो कृष्ण के रंग में ही रंग गई हूँ, मेरे ऊपर कोई दूसरा रंग और चढ़ने वाला नहीं है। नहीं है। और हम जानते हैं कि मीरा भक्ति काल की वो कवित्री थी जो सगुण धारा की थी और कृष्णाश्रय शाखा की थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। वो कह रही हम तो सांवरे के रंग में रंग गए हैं, अब मैं किसी और की भक्ति नहीं करती। वो आ गई भक्ति की एक निष्ठता, समर्पणशीलता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कुल कुल आफे कह रहे साज सिंगार बांध पग घूंगर, और मैं तो उसी कृष्ण के लिए अपना साज सिंगार करती हूँ। भाई मीरा तो विधवा हो गई थी, तो कह रही मैं जो अपना साज सिंगार करती हूँ वो किसी और के लिए नहीं करती, संसार के लिए नहीं करती, मैं अपना साज सिंगार किसके लिए करती हूँ? अपने, क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। कहते मैं तो इस अलौकिक पति के लिए साज सिंगार करती हूँ, मेरा जो लौकिक पति था वो तो गया, अब मेरा पति कौन है? कृष्ण है, इसी के लिए मैं साज सिंगार करती हूँ और पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ, पग बांध मीरा नाची रे, लोक लाज तज नाची, और मैंने लोक लाज को त्याग दिया। देखो मीरा कब थी बेटा? मीरा मध्य काल में थी, जिस समय औरत पर्दे में रहा करती थी, जिस समय औरत घर से बाहर बिल्कुल निकलती ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे, स्त्री स्वतंत्रता नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और यदि कोई स्त्री साधु संन्यासियों के साथ रहे तो उसे बिगड़ा हुआ माना जाता था। उस युग की मीरा है, और वो भी राज परिवार की, राज परिवार में तो स्त्रियों पर और भी ज्यादा बंधन थे। वो कह रही मैंने सारी लोक लाज, जो हमारे समाज में जिसको कहते हैं ना लोक लाज, के पर्दे में रहो, के बोलो मत, के इधर मत जाओ उधर मत जाओ, मैंने वो सब त्याग कर मैं नाचती हूँ मंदिरों में जाकर, और गया कुमत लया साधा संगत, और मैंने क्या किया है अपनी कुमती को छोड़ दिया, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करती रहती हूँ, भगवान के मंदिर में नाचती रहती हूँ, तो गया कुमत मेरी जो दुर्बुद्धि थी वो दुर्बुद्धि मेरी खत्म हो गई है, अब मेरे अंदर विवेक जाग गया है, मुझे ज्ञान आ गया है। लया साधा संगत, क्यों आया ये ज्ञान? क्योंकि मैं साधुओं की संगत में रहती हूँ, मैं संतों की संगत में रहती हूँ, श्याम प्रीत जग साची, और मुझे भी ये ज्ञान हो गया है कि संसार झूठा है, मिथ्या है, सच्चा तो कौन है? केवल ईश्वर। श्याम के संग जो मैंने प्रीत की है ना, यही सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। गाया गाया हरिगुण निस्दिन, निस्दिन निस माने रात, दिन माने दिन, मैं रात दिन हरिगुण ही गाती रहती हूँ, रात दिन भगवान की भक्ति करती रहती हूँ, उनके नाम का स्मरण करती रहती हूँ, इसलिए काल व्याल री बाची, इसलिए मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। वरना तो दुनिया के लोग मौत से डरते रहते हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बची ना, नाग भेजा था, सांप भेजा राणा जी ने, शालिग्राम बन गया राणा जी ने, जहर भेजा अमृत बन गया, सेज कांटों की सेज भेजी फूल बन गए। तो वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने क्या किया है, हरि गुण गाती रहती हूं मैं, इसलिए जो काल है, जो मौत है, जो मृत्यु है, मृत्यु रूपी जो सर्पणी है, उससे मैं बच गई हूँ। श्याम बिना जग खारा लागा, अब देखो आपको समझ में आ रहा है राजस्थानी भाषा है, बिना भगवान के मुझे ये जग कैसा लगता है? खारा लगता है, कड़वा लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता। और जगरी बाता काची, और दुनिया की जो बातें ना ये सब मुझे कच्ची
कच्ची लगती हैं, बेकार की बातें लगती हैं, ठोती लगती हैं, निरर्थक लगती हैं। मुझे सार्थक कोई लगता है तो केवल एक ईश्वर की बातें, उनका नाम ही सार्थक लगता है। और मीरा श्री गिरधर नट नागर भगत रसीली जाची। मीरा कह रही है मेरे सिर पर तो गिरधर नागर का भूत सवार है, गिरधर नागर सवार है, गिरधर नागर का कि मैं मगन हो गई हूँ, उनमें मेरी लगन लग गई है। भगत रसीली जाची, और मैंने इस भक्ति का जो रस है ना, रस मतलब आनंद, इस आनंद को जांच लिया है कि ये आनंद ही सच्चा है, और इस भक्ति के आनंद को मैं अब छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसकी परीक्षा करके ये जांच लिया है कि यही मुझे दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। क्लियर बेटा? आगे चले। आगे मीरा कह रही है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मतलब मैं तो कृष्ण के घर जाऊं। मीरा का कहना यह है कि अभी भी मैं गिरधर के घर मंदिरों में ही जाऊं, वहीं नाचूं, वहीं नाम स्मरण करूं कृष्ण का, और मरने के बाद भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और मैं परलोक में ईश्वर के चरणों में ही अब चरण पाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मैं गिरधर के घर क्यों जाऊं? क्योंकि जो गिरधर है वही मेरा सच्चा प्रियतम है। जैसे जब लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद वो अपने पति के घर जाती है, और पति के अलावा फिर और किसी घर में उसका मन भी नहीं करता जाने का। वही वो कह रही है मेरा पति कौन है? कृष्ण है, इसलिए मैं तो उसी के घर दर जाऊंगी। गिरधर मारो साचो प्रियतम, वही मेरा सच्चा प्रियतम है जो मेरे सुख दुख में काम आता है। सच्चा प्रियतम कौन होता है? प्रियतम, प्रियतम का मतलब है सबसे ज्यादा प्रिय। मेरा सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? कृष्ण। और क्यों है? क्योंकि वो मेरे सुख दुख में साथ देता है, वो मेरा, अपन कहते हैं ना ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरा फास्ट फ्रेंड है। मीरा कह रही है कि गिरधर ही मेरे फास्ट फ्रेंड है, देखा तो रूप लगाऊं, और उनको देख देख कर मैं उनके रूप पर आसक्त हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ, ऐसा मोहने वाला उनका सौंदर्य है। रहने पड़े तभी उठ जाऊं, और मैं इतनी उनके रूप में रूप पर आसक्त हो गई हूँ, मैं कृष्ण पर इतनी ज्यादा आसक्त हो गई हूँ कि जब रात हो जाती है ना तभी मैं यहाँ से उठती हूँ, पूरे दिन यही रहती हूँ। रेन पड़े तभी ही उठ जाऊं, जब रात होती है ना तभी उठती हूँ, और बोर गए उठे आऊं और जैसे सुबह होती है फिर यहाँ जाती हूँ। यानी कि मुझे तो गिरधर के अलावा कोई और सूझता ही नहीं है। और जो पहरावे सोई पहरूं, और जो दे सोई खाऊं, और मैंने इतना समर्पित कर दिया है अपने आप को, मुझे इस सांसारिक सुख की कोई लालसा नहीं है। जो मिल जाता है वही खा लेती हूँ, और जो मिल जाता है उसी को पहन लेती हूँ। क्या मानकर कि ये सब उसी ईश्वर का दिया हुआ, मेरी अपनी कोई सांसारिक इच्छाएं या मेरी कोई लालसाएं नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे गहने पहनूं, मैं ऐसा खाना खाऊं। जो पहरावे, जो वो पहनाता है, जो वो उपलब्ध करा देता है, जो अवेलेबल करा देता है, उन्हीं को पहन लेती हूं, और जो देता है उसी को ही खा लेती हूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जो रहन पड़े रहना दिल वाके संग खेलूं, त्यों त्यों वाही रिझाऊं। और वो कहते रात दिन मैं उसके संग ही खेलती हूं। जो हमारा खेलने का मतलब क्या है? जीवन जीती हूँ। या खेलने का मतलब ये नहीं है कि चलो क्रिकेट खेलना या आस पास खेलना, या खेलने का मतलब है अपना जीवन जीती हूँ। जीवन के जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है वो मैं ईश्वर के साथ ही करती हूँ। त्यों त्यों वाही रिझाऊं, और वो क्रियाकलाप करके मैं उसको बार बार अपने ऊपर रिझा। मैं तो आसक्त हुई, मैं तो रीझ गई हूँ कृष्ण पर, मैं कृष्ण को भी रिझाना चाहती हूँ। और मेरी उनकी प्रीत पुरानी, वो कह रही है मीरा मेरी उनकी प्रीत कोई नई नहीं है, मेरी उनकी प्रीत तो बहुत पुरानी है, क्योंकि कृष्ण मेरे पति हैं। और हम जानते हैं कि दाम्पत्य जो जीवन होता है, जो पति पत्नी का साथ होता है, वो एक जन्म का थोड़ी होता है, वो तो जन्म जन्मों का होता है, वो तो सात जन्म का होता है। हर करवा चौथ पे हम रिन्यूअल करा लेते हैं तो वो तो खत्म ही नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे उनकी प्रीत पुरानी उड़ बिण पलना रहा हूँ। मेरी उनकी तो बहुत प्रीत पुरानी है, टूट नहीं सकती है, मैं उनके बिना एक पल भी चैन नहीं पाती हूँ। और जहाँ बिठावे तितही बैठूं, जहाँ वो बिठा देता है मैं कुछ नहीं चाहिए, महल तो महल है। यदि वो मुझे मंदिर में बिठा देता है, सड़क पर बिठा देता है, मैं वहीं बैठ जाती हूँ। और बेचे तो बिक जाऊं, और यदि वो मुझे बेचे ना तो भी मैं बिक जाऊं, मतलब मेरा अपना कुछ है ही नहीं, तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि वो मुझे बेचे भी तो मैं बिच जाऊं, अर्थात वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे मेरे को वो सब स्वीकार है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे सच्चे प्रियतम है, वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बने जाऊं। मीरा कह रही है कि मेरे तो एक ही भगवान है, एक ही स्वामी है, एक ही प्रभु है। कौन? कृष्ण। गिरधर जिसने
गिरी को धारण किया था, वो चतुर वो सुंदर कृष्ण ही मेरा स्वामी है, मैं उस पर बार बार बलि जाऊं, मैं एक जन्म नहीं बहुत सारे जन्म उसके ऊपर वार सकती हूँ। क्लियर, आगे चले। मैं गिरिधर रंग राती सैया महा गिरिधर रंग राती। अब वो कह रही है, सैया कहते हैं प्रियतम को, पति को, वो कहते हैं मैं तो अपने गिरिधर के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी हूँ, केवल कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसके अलावा और कहीं मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। पंचरंग चोला पहरा सखी माँ झिरमट खेलने जाती। बेटा इस पद को थोड़ा ध्यान से सुनना, इस पद में मीरा ने संसार की जो मोह माया है ना उसकी दार्शनिक चिंतन हमारे सामने रखा है, आध्यात्मिक संदर्भ में कि आत्मा और परमात्मा क्या होते हैं, किस तरीके से आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है और बिछड़ जाती है। तो पंचरंग चोला, अब ये पंचरंग चोला पहरा सखी माँ, हे सखी मैंने पंचरंगी चोला पहन रखा है। अब ये पंचरंगी चोला पहनने का मतलब क्या है, क्या मीरा ने पांच रंग की साड़ी पहन रखी है? नहीं, पंचरंग चोला मतलब ये शरीर, चोला का मतलब क्या है, ये शरीर, और जो हमारा शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। तो पंचरंग चोला पहरा सकी मैंने इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर को धारण कर रखा है, और झिरमट खेलने जाती। और जिस तरीके से जब हम कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं या कुछ मिलने जा रहे हैं, तो हम सजकर जाते हैं ना, तो मीरा कह रही है मैंने पंचरंग चोला धारण करके और झिरमट खेलने जाती, अर्थात मैं उस परमात्मा के साथ अपने आत्मा का मिलन करवाने के लिए जाती हूँ। झिरमिट होता है बेटा, आपने बचपन में जरूर खेला होगा, छुपन छुपाई, आइस पाइस, अभी भी खेलते हैं ना, वो ही है ये झिरमिट, कि मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए जाती हूँ, आइस पाइस खेलती हूँ उनके साथ, छुपम छुपाई खेलती हूँ उनके साथ, है ना। तो वह झिरमिट माँ मिले सांवरों, और जो मैं झिरमिट खेलने गई, परमात्मा को ढूंढने गई, तो मुझे वहां कौन मिल गया, सांवरा मिल गया, मुझे वहां पे कृष्ण मिल गया, और देखा तन मन राती, और जैसे मैंने कृष्ण को देखा मेरा तो तन मन उस पर आसक्त हो गया, मैं तो उस पर न्यौछावर हो गई, और जिन्हों पिया परदेश बस्यारी लिख लेके भेजा पाती। और जिन महिलाओं के, जिन स्त्रियों के पति परदेशों में बिछे बैठे हुए हैं, वो अपने पति को पत्र लिख लिख कर भेजती है, मेरा पति तो कहीं नहीं है, मेरा पति तो मेरे पास है, मिल गया ना, झिरमिट खेलने गई थी मैं तो, आइस पाइस खेलने गई थी, मेरी आत्मा थी परमात्मा को ढूंढने गई थी। झिरमिट खेलने का मतलब क्या है कि मेरी आत्मा परमात्मा को ढूंढने गई थी, और मुझे वहां परमात्मा मिल गया। अब मुझे अपने परमात्मा को संदेश भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो परमात्मा तो मेरे पास आ गया है। तो जिन्होंने पिया परदेश बस्यारी, देखो आपको राजस्थानी भाषा समझ में आ रही है, जिनके पिया परदेश में बसे हुए हैं, लिख लिख भेजा पाती, वो उनको लिख लिख कर पत्र भेज रही है, संदेश भेज रही है, महारा पिया हमारे हृदय बसता, मेरा पिया कहाँ बसता है, मेरे हृदय में बसता है, रण आवारण जाती, अब वो मेरे पास ही आता है और मेरे पास ही रहता है, वो कहीं आता जाता ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई उसको संदेश भेजने की जरूरत ही नहीं है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मग जोवा दृढ़ राती। मीरा कह रहे हैं मेरे तो केवल एक ही प्रभु हैं, कौन है, गिरधर नागर है, और मैं रात दिन उन्हीं की ही सेवा में लगी रहती हूँ, उनकी प्रतीक्षा में ही लगी रहती हूँ। क्लियर, समझ में आ गया, कल आपकी मीरा कंप्लीट हो गई है, और मैं इसका वीडियो भी आपको भेज दूंगी, आप वहाँ देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट और होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यदि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, फिर भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना मैडम ये चीज़।